हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 का लेसन नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है सच्ची ईद। इस पाठ का नायक एक नन्ना सा बालक है जिसका नाम असलम है। असलम एक बहुत ही गरीब बालक है। असलम हर साल ईद पर पुराने ही कपड़े पहनता है, मगर इस साल वे अपनी अम्मी से नए कपड़ों के लिए ज़िद कर रहा है, लेकिन गरीबी के कारण नए कपड़े ले पाना उनके लिए कठिन है। पर असलम की अम्मी दिन रात कपड़ों पर कढ़ाई का काम करके असलम के कपड़ों के लिए पैसे इकट्ठे करती है। फिर ईद के एक दिन पहले जब असलम दुकान पर कपड़े खरीदने जाता है तो उसे अचानक अपने सहपाठी मित्र मोहन का विचार आता है, जिसके पिताजी बहुत ही बीमार हैं। दवा लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मोहन के स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पाई है। तो असलम ये सोचता है कि अगर वो ये पैसे अपने कपड़ों पर खर्च ना करके असलम को दे दे तो मोहन के पिताजी की भी जान बच जाएगी और उसका स्कूल से भी नाम नहीं कटेगा। तो असलम अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदता है और वो ये पैसे मोहन को दे देता है। तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि त्यौहार जहाँ हमारे मन में हर्ष व उल्लास भरते हैं, वहीं आपसी एकता व भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना ही सच्चा त्यौहार है। जिस प्रकार असलम ने अपने गरीब बेसहारा दोस्त की मदद करके एक सच्चा त्यौहार मनाया है, इसी कारण इस पाठ का नाम सच्ची ईद रखा गया है। तो बच्चों, अब मैं आपको ये लेसन पढ़ के सुनाऊंगी। आपने इसे ध्यान से सुनना है और समझना भी है। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोज़े रखने लगे थे। 10 साल का नन्ना असलम भी रोज़ा रखने की ज़िद करने लगा। नन्ना तय छोटा ज़िद करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोज़े में दिन भर कुछ भी खाया नहीं जाता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोज़े रख लेना। वैसे भी गरीबी के कारण हमारे तो साल भर रोज़े रहते हैं। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उसे ईद में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन खुशी से भर गया। उसका उत्साह दुगुना हो गया। उसने तय कर लिया कि वह रोज़े ज़रूर रखेगा। वह सोचने लगा कि वह हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता है, उसके दोस्तों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं, उसकी अम्मी उसे कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन इस बार ईद में वह ज़रूर नए कपड़े लेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। रोज़ स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। कुछ देर तो इन कपड़ों से उसकी नज़र ही नहीं हटती थी। वे सोचने लगता कि ईद वाले दिन ये कुर्ता पैजामा और सदरी पहनकर वे कितना अच्छा लगेगा, अपने सारे दोस्तों से अच्छा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो, वह इस बार अपनी अम्मी से ज़िद करके ये कपड़े ज़रूर खरीदेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल होता है मृत्यु, निधन। उसके और कोई भाई बहन नहीं थे।
असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उससे जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम और उसकी अम्मी गरीबी और तंगहली में मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। असलम की अम्मी हमेशा सोचती थी कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए वे घर की हालत ठीक ना होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वे सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता, जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वे कुछ भी ना खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वे स्कूल भी जाता। ये देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगी। वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीना और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वे नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े ज़रूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आएंगे नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे। उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अपनी अम्मी को दिखाए और ईद पर वही कपड़े लेने की ज़िद की। फिर वह अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपये सुनकर उसका कलेजा दक से रह गया। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आईं। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपये के कपड़े खरीदना उनके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े ज़रूर लेकर पहना देगी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती दिन भर और फिर देर रात तक कढ़ाई करती रहती। एक तो रोज़ा ऊपर से 2 गुनी मेहनत, इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल 1 दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से उसके पसंदीदा कपड़े लेने के लिए भेज दिया। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेज़ी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वे तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। ये देखो, शब्द भंडार, मोह होता है प्यार, इकट्ठे एकत्र करना यानी कि जमा करना। वे सोचता जा रहा था कि कल सुबह वे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा, उसके इतने अच्छे कपड़े देकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वे सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेज़ कदमों से चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। वे कुछ उदास सा हो गया। वे सोच में डूब गया।
उसके सामने कल स्कूल में घटित घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था। वे पढ़ने में बहुत होशियार था। मोहन असलम का पक्का दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही पढ़ते थे। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते थे। मोहन की माँ नहीं थी और ना कोई भाई बहन था। पिछले 2 महीनों से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर नहीं जा पाते थे। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। 2 महीनों से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन विचारों का क्या होगा? असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से दिन रात एक करके उसकी अम्मी ने रुपए इकट्ठे किए हैं और वे इन्हें नए कपड़े खरीदकर एक दिन की खुशी के लिए खर्च नहीं कर देगा। अगर वे ये रुपए मोहन को दे दें तो उसके पिता की जान बच सकती है, वे अनाथ होने से बच जाएगा, उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा, एक अच्छा दोस्त भी छोड़ने से बच जाएगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। ईद में अगर नए कपड़े नहीं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 साल और पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। मगर मोहन को अगर इस समय मदद ना मिली तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। ये सोचकर असलम तेज़ी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। मोहन रुआंसा सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आई। असलम ने मोहन को ठाठस बंधाया और उसे रुपए देते हुए बोला, दोस्त इन रुपए से अपने पिता का इलाज करवाओ और अपनी स्कूल की फीस जमा करो। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया, यानी कि हैरान रह गया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन ये रुपए बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा उपयोग कोई नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत मना किया पर असलम नहीं माना। उसे ज़बरदस्ती रुपए मोहन की जेब में रख दिए। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका, वे असलम से लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हों। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उसकी आंखें छलछल आई, यानी कि रोने लगी, आंसू आ गए उसकी आंख में। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज हो रहा था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चलकर आए हैं और उससे कह रहे हैं कि असलम तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम्हीं ने मनाई है। तो बच्चों ये देखो, उच्चारण अभ्यास, ये कठिन शब्द हैं, इनकी आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है और इनको बार बार दोहराना भी है। नन्ना, अल्लाह ताला, कढ़ाई, पाजामा, तंगहाली, इकट्ठे, स्वर, अल्लाह। आगे देखो अभ्यास के लिए,
अभ्यास के लिए मौखिक क पाठ रोजे कब आते हैं? इसका उत्तर है रोजे कब रखे जाते हैं? इसका उत्तर है रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। ख पाठ ईद पर असलम क्या खरीदना चाहता था? इसका उत्तर है ईद पर असलम नए कपड़े खरीदना चाहता था। ग पाठ असलम के नए कपड़ों के लिए उसकी अम्मी को कितने रुपए जोड़ने थे? इसका उत्तर है असलम के नए कपड़ों के लिए उसकी अम्मी को 200 रुपए जोड़ने थे। ग पाठ मोहन का असलम के साथ क्या संबंध था? उत्तर है मोहन असलम का सहपाठी मित्र था। न पाठ असलम कितने वर्ष का था? उत्तर है असलम 10 वर्ष का था। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। क पाठ असलम ईद पर किस तरह के नए कपड़े खरीदना चाहता था? इसका सही उत्तर है कुर्ता पाजामा। ख पाठ नए कपड़ों के लिए असलम को अपनी अम्मी ने नए कपड़ों के लिए असलम को अम्मी ने कितने रुपए दिए? इसका सही उत्तर है 200 रुपए। अम्मी के दिए पैसों से असलम ने क्या किया? इसका सही उत्तर है अपने दोस्त मोहन की मदद की। ग पाठ रमजान के दिनों में असलम दिन भर भूखा प्यासा क्यों रहता था? क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो रमजान में रोजे रखते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। ये इसका सही उत्तर है। नौ पाठ असलम किसके साथ रहता था? इसका सही उत्तर है अपनी अम्मी के साथ। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये आपको सारे उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए ज और फ ध्वनि से ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके साथ नुक्ते का प्रयोग होता है यानी कि छोटा सा बिंदु नीचे लगाया जाता है, जैसे रोज फसल जहाज कफन आदि। नुक्ता युक्त ज और फ का प्रयोग हिंदी के ज और फ ध्वनि में भिन्नता प्रकट करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ते का प्रयोग कीजिए। रोजा क्या आएगा इसका सही? रोजा या कि ज के नीचे आपने बिंदी लगानी है, नुक्ता बिंदी। जरूर इसका आएगा ज के नीचे बिंदी जरूर। तरफ नीचे बिंदी तरफ यानी कि जब बिंदी लग जाती है तो उसकी आवाज़ जब नाक से आती है, जैसे तेज का तेज, फर्क फर्क, तारीफ का तारीफ, ऐसे ही आपने ये वाले खुद करने हैं। उचित मुहावरे चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आपको खाली स्थान दिए गए हैं, आपने इनमें ये मुहावरों को भरना है। क पाठ बेटे के नए काम के बारे में सुनकर माँ की क्या हो गया? क्या आएगा इसमें सही उत्तर? आंखें भर आई। वह ख पाठ वह दर बदर ठोकरे खाने से बच जाएगा। ग पाठ असलम को देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। ग पाठ उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पैसे जमा किए थे। कपड़ों की कीमत सुनकर अम्मी का कलेजा दक से रह गया। आगे देखिए ये कुर्ता पैजामा मुझे चाहिए। इस वाक्य में यह सर्वनाम संकेतवाचक विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। जब सर्वनाम
अपने विशेष्य संज्ञा की ओर संकेत करे तो उसे संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है उस पर गोला लगाइए। क में वह रोजा अवश्य रखेगा, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? वह, इस पे आपने गोला लगाना है। ख पाठ, स्कूल जाते समय असलम उस दुकान पर रुक गया, तो इसमें कौन सा है सर्वनामिक? उस। ग पाठ, उसने सोच लिया था कि वह नए कपड़े जरूर लेगा, इसमें आएगा उसने सोच लिया था वह नए कपड़े जरूर लेगा। उसने और वह के ऊपर, दोनों के ऊपर गोला आएगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था, तो इसमें कौन सा आएगा? अपनी, इस पे गोला लगाना है। आगे न पाठ, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, इसमें आएगा उसके, उसके के ऊपर गोला लगाना है। च, च पाठ, उसके दोस्त उसके नए कपड़े देखकर दंग रह गए, तो क्या आएगा? उसके, और दोबारा उसके, दोनों के ऊपर गोला लगाना है। कि और की का अंतर समझिए। कि एक योजक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कि संबंध कारक का विविक्त चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। की का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों के अंत में भी किया जाता है। देखिए, की और की द्वारा रिक्त स्थान भरिए। क पाठ, असलम की अम्मी चिकन की कढ़ाई का काम करती थी, इसमें क्या आएगा? की, जिस पर बड़ी की मात्रा है। ख पाठ, वह सोचने लगा कि, यानी कि छोटी की मात्रा, वह रोजे जरूर रखेगा। ग पाठ, उसने अम्मी से कुर्ता पजामा खरीदने की जिद की आएगा, यानी कि बड़ी की मात्रा वाली। घ पाठ, उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा नए कपड़े पहने, यानी कि छोटी ई ये आएगी इसमें। न पाठ, रहीम चाचा की आएगी, बड़ी वाली मात्रा आएगी। दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था। थैंक यू।